गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग में। सो गाइज, आज बैच का है 11वां दिन रनिंग है, 10 दिन पूरे हो चुके हैं। तो आज के ब्लॉग में हम बताने वाले हैं आप लोगों को कर्टन के बारे में, इसी फार्म में कर्टन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का कर्टन आपको इसी फार्म में लगाना चाहिए और ओपन फार्म में किस कलर प्रकार का आप कर्टन साइड कर्टन लगा सकते हैं। और दोस्तों, दिन का टाइम है, बर्ड की बात की जाए तो बर्ड काफ़ी अच्छा चल रहा है। आज के दिन में हमारी मोर्टालिटी भी कम है, 4-5 मोर्टालिटी हैं आज की, तो फिलहाल बर्ड सही चल रहा है। और ये देखिए, टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, टेम्परेचर 29 डिग्री तक हम मेंटेन कर रहे हैं। और फिलहाल थोड़ा ठंड की शिकायत हो सकती है, वो कफ सिरप से कंट्रोल में आ जाएगी, इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं। अगर बर्ड स्वस्थ रहा तो 12वें दिन में हम इनका वैक्सीनेशन करेंगे। अगर थोड़ा बहुत अगर ठंड की शिकायत होगी, छिक-छिक की समस्या होगी, तो हम 12वें दिन की वैक्सीन को स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एग्जॉस्ट फैन की साइड हमने पूरा नहीं खोला है, एग्जॉस्ट फैन की साइड भी 40 फीट बचा हुआ है और दूसरी साइड, फार्म के दूसरी साइड भी करीब करीब 60 से 70 फीट बचा हुआ है। तो एग्जॉस्ट फैन की साइड हम 2-3 दिन में जो है इनको स्पेस दे देंगे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। जितना अच्छा स्पेस इनके पास रहेगा उतना अच्छा ग्रोथ करेगा, उतने ज़्यादा निप्पल इनको पानी पीने को मिलेंगे और उतने ज़्यादा फीडर भी इनको मिलेंगे। तो अगर गर्मियों में हम प्रॉपर स्पेस दे दें, सही टाइम पे सही स्पेस दे दें, तो बर्ड के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, बर्ड भी काफ़ी हैप्पी रहता है। अभी हमने बैरियर ओपन किए हुए हैं, जैसे ही बर्ड फार्म पे बराबर हो जाएगा तो बैरियर भी हम लगा देंगे, क्योंकि अलग अलग पार्टीशन में रहेंगे तो बर्ड एक तरफ को ज़्यादा एक तरफ को कम नहीं होगा। और दोस्तों, मेडिसिन की बात की जाए तो दिन के टाइम में हमने चला रखा है लीवर टॉनिक, हेपेटाइटिस बी, कफ सिरप, पाल्म बूस्ट का, पाल्म बूस्ट हिमालय का और किडनी फ्रेशर चला रखा है। तो कफ सिरप थोड़ा बहुत साउंड की दिक्कत है तो उसे कंट्रोल करेगा, और लीवर की भी दिक्कतें आ रही हैं फार्म में, कुछ मोर्टालिटी लीवर की हो रही थी, तो लीवर भी हमने 2 दिन से कंटिन्यू चला रहे हैं और आज भी लीवर हम चला रहे हैं। उसके साथ साथ किडनी भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे का वाटर इनटेक को बढ़ाता है और किडनी की जो मोर्टालिटी होती है उसे भी कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ आज रात भर के पानी में हम चलाने जा रहे हैं टॉक्स भी। दोस्तों, इसमें कॉपर है और एसिटिक एसिड है, ये वाटर सैनिटाइज का भी काम करता है। और उसके साथ साथ बच्चे जो हमारे छोटे बच्चे रह जाते हैं उसमें इकोलाई की दिक्कत होती है तो उसे भी कंट्रोल करता है, क्योंकि अभी हमारा चिक्स छोटा है, इस टाइम पे इकोलाई की मोर्टालिटी भी बहुत होती है तो उसे ये कंट्रोल करेगा। तो राइट टाइम पे राइट दवा लगानी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, ये बैट्रिक्स बायोटेक की है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, टॉक्स भी बैट्रिक्स बायोटेक कंपनी की है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। हम काफ़ी टाइम से इसे यूज करते हुए आ रहे हैं, इसके रिजल्ट हमें अच्छे लगे तो इसलिए भी हम अपने फार्मर भाइयों को बता देना चाहते हैं कि जो अच्छी दवाइयाँ हैं वह हम आपके साथ शेयर करते हैं, ना कि कोई कंपनी का प्रमोशन करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी जिया जी को बता दे रहा हूँ कि शाम के टाइम में ये मेडिसिन हमारे फार्म में लगनी है, क्योंकि दिन के टाइम की मेडिसिन लग चुकी है और शाम के टाइम की मेडिसिन जिया जी को मैंने दिखा दी है कि आज शाम को हमारा टॉक्स भी 1000 लीटर पानी पे लगना है। तो जिया जी, शाम को ये मेडिसिन लगा दीजिएगा। इसकी क्या डोज देंगे आप बर्ड को, हमारे जो अभी चिक्स हैं उनको इसकी क्या डोज दोगे आप? 10 ml 100 मुर्गियों पे। क्या डोज दोगे? 10 ml 100 मुर्गियों पे। हाँ, 10 ml 100 मुर्गियों पे इसकी डोज देंगे, काफ़ी सही डोज है, कोई नुकसान नहीं है इसका, काफ़ी अच्छा काम करती है। सो गाइज, पहले मैं इसी फार्म की बात करूँगा। इसी फार्म में जो अभी तक हमने अनुभव किया है, जितना भी बैच हमने रन किए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर प्रॉपर इसी फार्म आपने बनाना है, इसी फार्म में आपने साइड कर्टन लगाने हैं, अगर कर्टन वाला आपका फार्म है तो आपको मोस्टली या तो ब्लैक कलर के लगाने चाहिए या कुछ डार्क कलर के लगाने चाहिए, ऐसे कलर के लगाने चाहिए जिससे कि बाहर की रोशनी अंदर ना आ पाए और बाहर कुछ हलचल हो रही है तो वो बर्ड को वो फील ना हो। तो इसलिए हम आपको इसलिए ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने भी पहले व्हाइट कर्टन लगाए थे, व्हाइट कर्टन से क्या हो रही थी, धूप भी अंदर आ जा रही थी और कोई बर्ड वगैरह, पक्षी वगैरह, बाहर का पक्षी वगैरह भी उड़ा था तो उससे हमारा बर्ड डर रहा था, और बाहर फार्म के दोनों साइड कुछ हलचल हो रही थी तो उससे भी हमारा बर्ड जो है घबरा रहा था, डर रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं फार्मर भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि
अगर ब्लैक कलर के कर्टन आप इसी फार्म में लगाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जब से हमने ब्लैक पन्नी हमने अपने कर्टन के आगे से लगा रखा है, कर्टन और जाली के बीच में ब्लैक पन्नी, जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, जब से हमने ये लगाया है तब से बर्ड को बाहर का एनवायरनमेंट का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बाहर कुछ भी हलचल हो रही है तो बर्ड को कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बर्ड आराम से कंफर्टेबली अंदर रह रहा है और एयर लीकेज भी कम हो गई है, जिससे कि हमें ब्रूडिंग में टेम्परेचर बनाने के लिए भी आसानी हुई और अब हमारा जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो कूलिंग बनाने के लिए भी हमें आसानी होगी। और रही बात ओपन फार्म की, दोस्तों ओपन फार्म में आप लोग वाइट कर्टन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ओपन फार्म तो ओपन ही होता है तो उसमें रोज अप एंड डाउन का सिस्टम रहता है, रोज पर्दे खोलते हैं और ओपन फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी होती है, तो इसलिए आप ओपन फार्म में जो है वाइट कर्टन लगा सकते हैं। वो वाइट कर्टन ओपन फार्म के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं। और दोस्तों वाइट कर्टन के साथ साथ येलो कर्टन से भी रोशनी अंदर आती है, तो मोस्टली ओपन फार्म के लिए वाइट और येलो कलर के कर्टन काफ़ी अच्छे रहते हैं, अगर हमें बाहर की रोशनी भी अंदर फार्म के अंदर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है तो इस टाइप के कर्टन अच्छे रहते हैं। बट इसी फार्म के लिए जो है थोड़ा डार्क कर्टन रहेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे कि बाहर का कहीं हलचल, बाहर के एनवायरनमेंट, बाहर की कोई भी एक्टिविटी बर्ड को पता ना लगे, बर्ड अपना आराम से फार्म के अंदर रिलैक्स बैठे रहे, कोई डर उसके अंदर पैदा ना हो। दोस्तों इस टाइम बज रहे हैं रात के 10 और इस टाइम पर मैं फार्म में आ चुका हूँ। इस टाइम पर फार्म पे आने का मुख्य कारण यह है कि अगर इस टाइम पे आपके बर्ड में साउंड की दिक्कत होगी, चिक चिक की समस्या होगी, तो आप इजीली गैस कर सकते हैं। तो हमारे बर्ड में अभी चिक चिक की समस्या है और इसको हमने जल्द से जल्द दूर करना होगा, अदरवाइज ये बड़ा रूप ले सकती है। तो इसकी मेडिसिन हम लगाएंगे कल सुबह से, हम इसकी 24 आवर या 48 आवर के लिए हम कंटिन्यू इनको एंटीबायोटिक देंगे, तो जिससे कि ये समस्या ठीक हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले मस्त ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू फॉर वाचिंग फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग। बाय बाय दोस्तों।